अब गाइस आज बनाने हैं हम 5 रुपीस पेन से ड्राइंग। हाँ 5 रुपीस पेन से, आपने सही सुना। अब देखो 5 रुपीस पेन से बनाने वाले हैं ब्रोली भाई साहब की ड्राइंग, हट्टे कट्टे हैं। देखो मैंने पहले पेंसिल से आउटलाइन बना ली थी, क्योंकि भाई हमारे ख़राब नहीं होनी चाहिए ड्राइंग, और उसके ऊपर मैं पेन की आउटलाइन कर रहा हूँ कि फिर ठीक लगे। अब मैं जैसे जैसे उसके ऊपर आउटलाइन कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने इरेजर को रफ भी कर दिया, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पेन से बनाइए, नॉट डायरेक्ट पेन से बनाइए, ऐसा लगेगा। अब देखो पेन से ये कि हमें ना क्रॉस हेचिंग मैट्रिक्स से शेडिंग करके इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं ये। अब देखो ध्यान तुम्हें नीचे को इतना समझ आएगा नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर के पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया है। अब देखो मैंने ऊपर क्रॉस हेचिंग मैट्रिक्स से इस्तेमाल कर दिया, मतलब पहले सिंपल लाइन खींचो, फिर उनको क्रॉस मैट्रिक्स इस्तेमाल करो, फिर प्लस मैट्रिक्स, आप डायगोनल लाइट एरियाज को बड़े अच्छे से ऊपर ला सकते हो। वैसे ये चैलेंज मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो चैलेंज हम सस्ते कलर से भी अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं, ये इस चैलेंज इसलिए मैं ये सारे कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हाँ भाई उनके पास तो महंगे कलर हैं या अच्छी चार इक्विपमेंट्स हैं, इसलिए उनकी अच्छी ड्राइंग बनती है। पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारे पास सस्ते इक्विपमेंट्स हैं, सस्ती चीज़ें हैं, हम फिर भी बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं, बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए, है ना। नहीं इसलिए तो मैं अपने चैनल पर ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ, आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं कि मैंने और भी स्केच कलर मूवी कलर से भी ऐसी ड्राइंग बना रखी है बहुत अच्छी अच्छी। और जैसे हमारा हाथ ब्रोली का भी ऊपर का एरिया पूरा हो चुका है, अब मैं सोचा इतनी धीरे क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो शक्तिमान की आत्मा होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपका नाम दिया सब्सक्राइबर की जाए और फिर लग जाओ। पर मैंने फराटेदार स्पीड दिखा दी, आपको थोड़ा नीचे का पार्ट इतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बना दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट चली गई थी। पर आपको वीडियो कैसी लगी, और फॉलोइंग यस ब्रो।